नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। जसिया में आज जाटों का महासम्मेलन, रोहतक से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जसिया में आज जाटों का महासम्मेलन होने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा समेत कई राज्यों के जाट हैं जो इस आज महासम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। तो जसिया में आज जाटों के महासम्मेलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। रोहतक के जसिया गांव में आज तमाम जाट समुदाय के लोग जुटने वाले हैं। आरक्षण को लेकर जाटों ने महासम्मेलन एक बार फिर से बुलाया है, लेकिन उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन ने इस बार कमर कस ली है। कोई भी ऐसा उपद्रवी जो कि नुकसान करता दिखाई देगा या फिर शांति भंग करने की कोशिश करेगा, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। तो एक बार फिर से रोहतक के जसिया में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब आगे की रणनीति जाट समुदाय की तरफ से क्या रहती है और आरक्षण को लेकर जो लंबे वक्त से लड़ाई जाट समुदाय लड़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आगे चर्चा होती है, ये जरूर आज जानने की जरूरत है। तो खबर रोहतक से, जसिया में आज जाटों का महासम्मेलन होने वाला है। तो शहर के सभी प्रमुख स्थानों में बंद कर दिया गया है और इसी के मद्देनजर जो प्रशासन है वो भी अलर्ट पर है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, क्योंकि हरियाणा समेत कई राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां से बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग आएंगे, प्रतिनिधि मंडल आएगा और चर्चा आरक्षण के मसले पर की जाएगी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर नाकेबंदी तक कर दी गई है। राम भगत मलिक हैं हमारे साथ, जो कि अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सुन पा रहे हैं आप मलिक साहब हमें? जी। आज जो आपकी जसिया में बैठक, जो महासम्मेलन का रूप जिसको कहा जा रहा है, हो रहा है, क्या कुछ अब रणनीति इसमें रहने वाली है, क्योंकि आरक्षण के मसले को लेकर आप लोगों की बैठकें, इस तरह के महासम्मेलन पहले भी हो गए हैं, आज की जसिया में होने वाले इस महासम्मेलन में क्या कुछ अहम रहने वाला है सर? देखिए मैडम, ये सरकार है बार बार वादे करके ले मतलब उसको लटकाने की कोशिश करती है, तो इसलिए जाट समाज ने फिर से आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, उसके लोगों की राय जानने के लिए और आपसे की रणनीति तैयार करने के लिए आज जसिया के उसमें जाट भगुराम संस्थान है जी, जाट महासम्मेलन बुलाया गया है, तो आज आपने की रणनीति तैयार कर ली जाएगी। आपने कहा कि रणनीति आगे की तैयार कर ली जाएगी, ऐसे में क्यों बार बार ये नौबत आन पड़ रही है राम भगत जी, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आरक्षण को लेकर पैरवी की जा रही है, बावजूद इसके बार बार ऐसी नौबत क्यों कि महासम्मेलन के जरिए आप सरकार को जगा रहे हैं? हाँ जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप राम भगत जी? हेलो, आवाज मिल पा रही है मलिक साहब आपको? हेलो, आवाज मिल पा रही है राम भगत जी? आवाज मिल पा रही है मलिक जी आपको? हेलो, आवाज मिल पा रही है सर आपको? अजी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप मेरी? अब आवाज कट रही है मैडम, आवाज कट रही है। बस छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे यही मैं जानना चाहूंगी आखिर में, कि आपको क्या लगता है आज की इस महासम्मेलन के बाद सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी? चलिए शुक्रिया आपका और माफी चाहेंगे, थोड़ी डिस्टर्बेंस है इस वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंची। तो ये हमारे साथ जुड़े थे मलिक जी, जिन्होंने बताया कि कैसे जसिया में आज जाटों का महासम्मेलन है और उसका एजेंडा आज क्या रहने वाला है।